गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी उठ गई और आज ज़्यादा वीडियो अभी तक नहीं बनाई क्योंकि इतना ज़्यादा फ़ोन्स आ रहे थे तो मैं वही अटेंड करने में बिजी थी और फिर फटाफट हमें तैयार भी होना था क्योंकि आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो बहुत टाइम बाद भी जा रहे, चलो बर्थडे के बहाने कम से कम घूम लेंगे। तो जो जो भी रेडी हो गया है, बस जो जो लॉक वगैरह कर रहे हैं, जो जो चाबी मेरे पास है, तो देखिए जो जो भी रेडी हो गए। बट बहुत गर्मी है इसकी वजह से एकदम दिमाग खराब। पर चलिए, आज थोड़ा सा धूप हमारा साथ दे रहा है क्योंकि थोड़ा धूप कम है, क्योंकि सूरज को भी पता है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए थोड़ा सा धूप कम रखा है। कि जाजा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो आपको ये दिखाएंगे लुक, आज मैं न्यू टॉप पहनी हूँ। तो चलिए अभी वहाँ चलते हैं, फिर जहाँ घूमेंगे वहाँ पर आप लोगों को लुक दिखाएंगे। पहुंच गया है बारबेक्यू नेशन और चलते हैं अंदर, टाइम हो चुका है। बारबेक्यू लग चुका है, अब स्नैक्स आएगा। चिकन ब्राउन देखे, कितना खुश है मोमो नॉन वेज का देख के। तो फर्स्ट टाइम बारबेक्यू नेशन का है तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, लेकिन हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे यहाँ पे आने का। ये मेरा चिकन सीख कबाब और चिकन लेग आ चुका है, साथ में गोलगप्पा, जो भी जो जो ट्राई करेंगे। और ये रहा वेज नॉन वेज का कबाब। नॉन वेज का फायदा, वेज भी खा सकते हैं।
काफ़ी अच्छे से ग्रिल हो गया है। तो हमारा स्टार्टर हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा मतलब लाजवाब था और मतलब एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मतलब आज का डे मतलब सच में बहुत स्पेशल हो गया है और मैंने बहुत मज़े से खाया प्रॉन वगैरह। मतलब इसमें है कि जो मतलब इसमें बारबेक्यू हो रहा है तो उसको आप जितना भी बार रिपीट कर सकते हो। तो हमने प्रॉन वगैरह मंगाया था, जो जो को एक पनीर का आइटम बहुत अच्छा लगा तो जो जो ने वो खाया, तो जो जो से पूछते कि उनको कैसा लगा। ये देखिए बस इतना बचा है, हमने रिपीट किया था और जो 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 काफ़ी खुश लग रहे हैं तो उनसे पूछते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब जो खाना का क्वालिटी है और सर्विस स्पेशल, मतलब ये ज़रूर मेंशन करूँगा सर्विस इज टॉप नॉच। और ये जो पनीर टिक्का है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये मतलब बिल्कुल भूल जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ। और कुछ लोग खाना लेना स्टार्ट कर चुके हैं, हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत खाया। हमारा प्लेट देखिए, ये थोड़ा सा कच्चा रह गया तो हमने बोला इसे वापस क्रंची करने के लिए। एक बस जोजो का जो आइटम था वो पोटैटो का, वो थोड़ा सा अंदर से जोजो ने बोला, मैं तो ट्राई नहीं किया आपने देखा वो, इसलिए वो रखा हुआ है। वैसे मैं वेस्ट नहीं करती, बट वो जोजो ने बोला कि वो थोड़ा सा और वो क्रंची होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने वापस उसको अच्छे से क्रंची करके जोजो को वापस सर्व किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो लोग पर्सनली आके हर कुछ पूछ रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ का सर्विस तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी स्टार्टर तो हमारा हो गया, बस मेन कोर्स खाएंगे। तो चलिए आप लोगों को एक बार थोड़ा टूर करवाते हैं। ये तुम खाओगी? ये वेज का है, आप ही दिखाइए वेज का। हाँ, 2 मिनट्स। चलिए पनीर मखानी और कढ़ाई वेज, हक्का नूडल्स है ये और गोभी मंचूरियन। देखने में तो टेस्टी लग रहा है जो तो, ये जो जो का आइटम्स है वेज का। ये कश्मीरी आलू और पंजाबी छोले, ये सूप है इंडो एशियन फाइव फ्रीजर सूप। ये कितना अच्छा टेबल, इसका फोटो अच्छा सी है। ये यहाँ पे सैलेड और ये इधर क्या है, अरे ये दिखाइए। ओह वाओ, ये तो जोजो बहुत ज़्यादा खाने वाले हैं। और इधर क्या है, राजस्थानी लाल मांस, ये मटन, वो अब इसके बाद ये नॉन वेज काउंटर है, वो वेज काउंटर है। चिकन दम बिरयानी ये तो ज़रूर दिखाइए, लाजवाब। और इधर मैं एक बार दिखा देते हैं, वाह मतलब कितने अच्छे से रखा गया है कि मतलब देख करके दिल खुश हो जाएगा। आइसक्रीम बर्थडे केक आया है, ये आया है बारबेक्यू नेशन की तरफ से मेरे लिए स्पेशली बर्थडे केक। थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जा रहा हूँ खिलाने के लिए मोमो केक, बर्थडे केक। अच्छा लगा।
स्पेशल फील हुआ। कितना खुश हो गई है सारे लोग यहाँ पे, मतलब बिल्कुल अटेंशन मिला है आज मोमो को। मैंने अपना प्लेट सजा लिया है, दम आलू है, इधर वेज बिरयानी है, इधर में नूडल्स है, बटर टॉस्ट नूडल विथ मंचूरियन, पास्ता सैलेड, आलू चना का चाट, और यह है पिंडी मसाला मतलब छोले, ये एक तरह का सैलेड है, आई थिंक पाइनएप्पल का है, और ये रहा बटर गार्लिक नान। जो के बाद मेरा देखे, मैंने बहुत ही कम चीज़ लिया है क्योंकि मुझे चिकन का आइटम नहीं लेना था, बट मैंने चिकन का कीमा लिया है और थोड़ा सा फ़िश लिया। मैंने कितना कम फिश लिया, वो भी केयरलेस स्टाइल था, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया है क्योंकि मैं चिकन और फिश खाती रहती हूँ, इस वजह से मैंने बहुत कम लिया। और ये चिकन बिरयानी था, चिकन दम बिरयानी, बट मैंने सिर्फ चावल इसका लिया है, मैंने चिकन नहीं लिया है। इसके साथ में मटन ली हूँ, मटन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोची कि मैं ज़्यादा मटन ही खाती हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट है। ये है हॉट ब्राउनी विथ आइसक्रीम, और ये है कुछ केसर फिरनी। तो जोजो का खाने के बाद अब जोजो अपना स्वीट्स डिजर्ट्स वगैरह स्टार्ट कर चुके, खाना काफ़ी अच्छा लग रहा है जोजो को, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। ये है पायसम, सारे लोग खाना खाने के बाद कुछ मीठा पसंद करते हैं। मोमो ऑलरेडी मीठा खा चुकी है, मगर ये देखिए मोमो का असली डिजर्ट ये है। मेरा ध्यान गुलगप्पे पे जाके मैं और एक बार खाऊं, अगर मैं इससे मन नहीं भरा और थोड़ा सुनूंगी, देखते हैं क्या रिएक्शन है, कैसा है मोमो, टेस्टी है। आइसक्रीम हो गया और मैं आज सारे उल्टे काम कर रही हूँ, अभी मैं पीऊँगी आइसक्रीम खाने के बाद चिकन सूप। मैं सोची ट्राई कर लेती हूँ आई हूँ तो, आज इतना खा लिया ना कि कुछ सोच ही नहीं पा रही है। फाइनली हम आगे बाहर बहुत ज़्यादा खा लिए, इसके बाद तो मतलब अगर मैं इतना सा भी खाऊँ ना तो मेरा बाहर उठ जाएगा। तो लास्ट में भी आ रही, हाँ लास्ट में जो ने कुल्फी खाया मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाई, और बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब सच में स्पेशल फील होता है कि हाँ यार बर्थडे है, बहुत ही अच्छा है, और खाना भी सच में सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर आके ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कुछ पेड प्रमोशन नहीं है, बस मतलब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, आपको रिव्यूज़ दे रहे हैं कि अगर कोई सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अगर कोई सेलिब्रेट करना चाहता है। हाँ तो फिर बाकी प्राइस वगैरह थोड़ा सा है, लेकिन बट अगर आप अच्छा खाओगे तो आ करके अच्छे से जो खा सकते हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि खाना बहुत टेस्टी है। तो डेफिनेटली पूरा मतलब जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना, तो आपको लगेगा कि मतलब बहुत है। तो आज जोजो ने मुझे यहाँ पर ला करके बहुत स्पेशल फील कराया। कैमरा साफ़ कीजिए, नहीं नहीं कैमरा कुछ गंदा है।